हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 इज गोइंग ऑन। You see, the NCRT page book 104, there is a topic of the circular motion. Circular motion. Right. Circular motion. When a body moves in a circular path, this is a circular path. When a body moves in a circular path, then the motion is called circular motion. When a body moves in a straight line, then this is called rectilinear motion. When the body moves in a circular motion, suppose this is the direction with velocity speed v, this is the direction of the velocity here in this point, and v, and this will be the direction of velocity or speed. Then the body of mass m will experience a force. लेकिन जब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो ऐसा कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसका सेंटर है ही नहीं। तो द फोर्स द बॉडी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। नेम ऑफ द फोर्स इज व्हाट? सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका नाम क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। दिस वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस, है ना, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हेन एनी बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर, देन द सेंट्रीपेटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल बॉडी स्क्वायर ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाय आर। दिस फार्मूला वी हैव सीन अर्लियर। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वी हैव डिस्कस बाय वेक्टर मेथड वगैरह से देखे हैं। वो चैप्टर था मोशन इन ए प्लेन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़े हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, देन सच ए मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम यूनिफॉर्म है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। We have seen AC बराबर V स्क्वायर बाय R, ये देखे हैं, और मास के साथ मल्टीप्लाई किए तो फोर्स हो गया। ये है, इसको हम लोग और कहें, ये V स्पीड से चल रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से। इसके साथ साथ क्या होगा? एंगुलर स्पीड भी होगा। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। इस ओमेगा लिख दिया, देयर इज रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड। ओमेगा इंटू आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसको अगर चेंज करेंगे एम और ये हो जाएगा ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाय आर करेंगे। इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो ये एफ सी बराबर आ जाएगा। कितना आएगा? एम हो गया ओमेगा स्क्वायर, या आर स्क्वायर कर दिया, आर रह गया। ऐसा माना जा सकता है। ये फार्मूला सबको दिमाग में रखना है, क्योंकि जो है न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग को डायरेक्टली फार्मूला सेट करना है। ठीक है, वी हैव टू सेट द फार्मूला डायरेक्टली। दिस कैन बी, अब हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है ट्वाइस पाई बाई कैपिटल वी टाइम पीरियड। क्योंकि ओमेगा बराबर होता है क्या? ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो जाता है।
तो इसको अगर यहाँ रखेंगे तो एफ सी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एम ट्वाइस पाई बाय कैपिटल टी का होल स्क्वायर रूट वन, इसको भी याद रखना है ना। इसको और भी कर सकते हैं, जैसे है ओमेगा बराबर ट्वाइस पाई वन बाई टी मतलब न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो उस समय एफ सी का फार्मूला हो जाएगा इसकी जगह पर रख देंगे एम और ट्वाइस पाई न्यू का होल स्क्वायर इंटू वन, यानी एफ सी बराबर हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर आर, ये वाला भी फार्मूला रखेंगे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का तीन फार्मूला, चार फार्मूला, ये तो फार्मूला ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, है ना। इसके लिए न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा सुविधा होगा, ठीक है। दिस मच आइडिया वी हैव प्रीवियसली, पहले से हम लोगों का ये आइडिया है, ठीक है। तो इस आइडिया को यूज करके कुछ हम लोग देखते हैं हमारा जो डेली लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कुछ समस्याएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो समस्या ये आता है कि सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ए ऑन ए लेवल रोड, है ना। अच्छा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार, कार यहाँ पर ऑन आ लेवल रोड, लेवल पर बराबर बराबर रोड में कार का मोशन के बारे में देखने के पर सर्कुलर मोशन। देखो बाबू, जो रोड में हम लोग चलते हैं तो कहीं भी टर्निंग जब आता है तो इस तरह का टर्निंग लाता है, सर्कुलर टाइप का। तो लेटेस्ट है रोड गया एक टर्निंग, टर्निंग मतलब इस तरह का हम लोग ये सर्कुलर सर्कुलर रूम ले लीजिए। यहाँ से मान लो मानेंगे इसका सेंटर यहाँ होगा, पक्का इसका सेंटर एक ही होगा, सेंटर रूम मान लिया। और इसमें एक कार चल रही है, ऐसे ऐसे आएगा कार आ रहा है, तो उस समय उसका मोशन कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम लोग उसको देखेंगे, राइट। तो जब चलो ये तो कार बनाते हैं, यहाँ से हम लोग ले लिए इसको थोड़ा सा, ये हम लोग सेंटर ही मानेंगे तो ये हो जाएगा, इस पर एक कार बनाते हैं। तो कार का चलो टायर बनाते हैं, ये टायर हो गए, ठीक है, ऐसा ऐसा करके टायर बनाते हैं, फिर यहाँ भी एक टायर रहा, ठीक है। थोड़ा तो बनने के बाद जो है ना थोड़ा अच्छा रहेगा, और ये ऐसे हम लोग ले लिए इसको, ठीक है, और यहाँ से ऐसे मिला दिए, यहाँ पर लगा दिए कि दो लोग की कार बन गया। तो ये हो गया कार, है ना, कार का हो गया टायर, ठीक है, टायर रोड के साथ लगा हुआ है, ये रोड लेकिन लेवल रोड है। जनरली देखते हैं कर्व रोड में इधर वाला एज जो है ना लिटिल बिट अप रहता है आउटसाइड एज, और इनसाइड एज जो है डाउन रहता है, उसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, जो आगे वाला टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट यू सी कीजिए हम लोग हाँ, जस्ट यू सी दिस इज कार सर, सर दिस इज कार नो, यस, तो दिस इज द कार और ये हेडलाइट हो गया, राइट। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है विद वेलोसिटी वी से चल रहा है, तो कार जब स्पीड में जाएगा तो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली टर्निंग में जो कार को स्पीड में घुमाएंगे इट विल स्किड आउटसाइड, स्किड मतलब फिसल के आउटसाइड चले जाता है, इसलिए वहाँ पर स्पीड कम करना पड़ता है। अगर स्पीड गड़बड़ाया तब जो है वो सही सलामत नहीं रहेगा, वो चला जाएगा गड्ढा में, आउटसाइड स्किड होके गिर जाएगा। तो इतना स्पीड रखना है, इसलिए टर्निंग में लिखा रखता है स्पीड नोट दे मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, लिखा भी रहता है ये आगे जो है बहुत शार्प टर्निंग है, स्पीड शुड बी स्पीड नॉट एक्सीड मोर देन 20 किलोमीटर, अगर उससे ज़्यादा स्पीड में गया तो घर नहीं पहुँचेगा,
उसी टर्निंग के गड्ढा में रहेगा ना, ये सब ध्यान रखना है। तो अब देखो इस स्पीड से जब जाएगा कार तो स्वाभाविक है कार को आउटसाइड फोर्स लगेगा, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या है, कार और टायर के बीच क्या रहेगा, फोर्स और फ्रिक्शन, इस पोटेंशियल के जब आ जाएगा तो ये पहला टायर में फोर्स लगा है फोन, दूसरा टायर में फोर्स फ्रिक्शन फोर्स, स्पीड में जाएगा तो पांच फेंका उसको रोकता कौन है, रोकता है फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, रोड और टायर के बीच, ठीक है। अब देखेंगे ये पूरे कार का वेट कैसे रहता है, इस पर वेट रहता है, इस पर इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर होगा नॉर्मल रिएक्शन आर वन, इस टायर का नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा आर टू, लेकिन असल में कार का वेट कहाँ काम करता है, बीच में काम करता है। वेट मतलब क्या हो गया, कार का मास एम आर जी एम जी वेट, और इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा आर ऊपर होगा। इसका मतलब है जो नेट नेट नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा नॉर्मल रिएक्शन आर इसके बराबर होगा दोनों टायर का नॉर्मल रिएक्शन पे, क्योंकि पूरे कार का वेट यहाँ से वेट यहाँ से, लेकिन रिजल्टेंट वेट तो आर है ना, तो आर वन आर टू के बराबर होगा। लेकिन फ्रिक्शन बिटवीन टायर वन एफ वन बट एफ वन बराबर म्यू आर वन होगा, दोनों को पता है ना, क्या पता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। इसी तरह से दूसरे टायर में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ टू लगेगा वो क्या होगा, म्यू आर टू, यहाँ पर क्या है वेयर म्यू क्या है, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन किसका, बिटवीन टायर टायर एंड रोड के बीच का, रोडवा तो एक है ना, टायर भी कैसा है, तो ये इसका ये होता है। इसका मतलब देखो आर बराबर क्या होगा, आर वन प्लस आर टू है ना, व्हाट इज देयर आर वन प्लस आर टू, राइट। तो टोटल फ्रिक्शन कितना आएगा, नेट फ्रिक्शन विल बी हाउ मच, टोटल फ्रिक्शन एफ बराबर, एफ किसके बराबर होगा, एफ वन प्लस एफ टू मतलब एफ वन का वैल्यू कितना है, म्यू आर वन प्लस कितना, म्यू आर टू, ऐसा करेंगे कॉमन क्या आएगा, म्यू कॉमन आर वन प्लस आर टू बराबर है बापू, ये जो है आर वन आर टू किसके बराबर है, रिजल्टेंट आर के बराबर है, इज इक्वल टू म्यू आर, और आर जो है इसको बैलेंस कर रहा है, टोटल वेट ऑफ द कार को बैलेंस कर रहा है, मतलब एम जी, इज इक्वल टू म्यू कितना एम जी, इक्वेशन ऑन कर दिया। देखो जैसे ये टर्निंग लेगा ये कार बाहर की ओर स्पीड करेगा तो इसके तरफ एक सेंटीपेटल फोर्स लगना है अभी बोले थे वेन एवर ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट एक्सपीरियंस अ सेंटीपेटल फोर्स, फोर्स टुवर्ड द सेंटर, राइट। ये वाला फोर्स कितना होगा, सेंटीपेटल फोर्स, तो सिंस द कार मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव्स करता है, सो आ सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट ऑन द कार टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ किसका, सर्कुलर पाथ ये सेंटर की ओर एक्ट करेगा, ये ऑब्वियस है, दिस इज द नेचर ऑफ द नेचर, प्रकृति में ऐसा ही है, ये मैनमेड नहीं है, आदमी इसका पैदा कर देगा है ना, कार वेस्ट में रहेगा ये सेंटीपेटल फोर्स गाय, जैसे सर्कुलर पाथ मूव करना शुरू करेगा
ऑटोमेटिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाएगा, है ना, कोई पैदा नहीं कर सकता है, इसी का नेचर आपका नेचर है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ बराबर कितना होगा, एफ बराबर एम, मास ऑफ द कार कितना है, एम है, एम वी स्क्वायर, वी स्पीड से चल रहा है, बाय रेडियस, जो रेडियस यहाँ से आपका सेंटर से लेके रेडियस अपना सब बात ये होगा। एक्चुअली यही सेंट्रीपेटल फोर्स, वो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, द सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड्स द फ्रिक्शन फोर्स, या कहो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना, इसी का नेचर होता है, नेचर राइट। तो सिंस द कार विल मूव सेफली विदाउट स्कीडिंग आउटसाइड, कब मूव करेगा, जब ये सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा या लेस होगा, तभी होगा, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से लेस होगा। द कार विल मूव सेफली मूव करेगा, ये ऐसा हो कि यह सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब क्या हो रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर कितना होगा बाबू, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन के बराबर होगा, तभी हो सकता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना निकाले हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये एफ है, एफ एफ मतलब न्यू एम जी है, ठीक है, एक एम कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू ए वी स्क्वायर बाय आर बराबर कितना बच गया, न्यू जी, इसलिए ये वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, न्यू जी आर होगा, राइट। न्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन टायर एंड रोड, राइट, तो इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, वी बराबर अंडर रूट न्यू जी आर, ये जो है मैक्सिमम वेलोसिटी इतना हो सकता है। कार कब तक सेफ रहेगा, जब तक ये वी क्या होगा, लेस होगा या बराबर होगा, किसका, न्यू जी आर का लेस होगा या उसके बराबर होगा, तब तक सेफ है। अगर ये वाला वैल्यू, ये वेलोसिटी अगर बड़ा हो जाए किससे, इतना वैल्यू से, तब भैया तू घरवा नहीं पहुंचेगा सही सलामत, वो जो टर्निंग के आउटसाइड में जो गड्ढा होगा ना, वहीं पर कार गिर जाएगा, है ना। तो दिस फैक्ट ऑफ द नेचर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द सर्कुलर रोड, है ना, एंड द वार्निंग इज गिवेन बिफोर कमिंग द टर्निंग, है। लेकिन हम लोग कितना धीरे धीरे चलें, धीरे धीरे कितना चलें, हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आउटसाइड वाला पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, और उठाने का जो मेथड है उस मेथड को कहेंगे क्या, बैंकिंग ऑफ रोड्स, क्या कहेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स जो है, देखेगा ये जो है पेज नंबर 104 एनसीईआरटी बुक का, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, इसको देख देख के पढ़ करके अपना कॉपी में लिखेगा रख में, और हम अगला वीडियो में इसको डालेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।